Good morning, children. Today we will start with our revision of essay 1. Okay, turn to page 13. Alright, the grammar portion of chapter 1. Okay, there we have the sentences. Alright, we all know that a group of words that are arranged correctly, okay, or जो हम लोग को कुछ meaningful information देता हो उसको sentences बोला जाता है. Alright, a sentence always ends with a punctuation mark, a full stop, a question mark or an exclamation mark. Alright, of kinds of sentences, there are 4 types of sentences. Okay, assertive sentence है, interrogative sentence है, imperative sentences and exclamatory sentences. Okay, 4 types of sentences are there. Now, सबसे पहले इसमें क्या define किया गया है? Assertive sentence. It makes a statement. Okay, कोई भी चीज को बताने के लिए हम लोग हमेशा assertive sentence use होता है. Okay, जो universal truth हो, उसमें भी assertive sentences लगता है. जैसे for example, अगर मैं बोलूँ कि the sun rises in the east, तो सब जगह ये true है कि the sun ईस्ट से ही राइज होगा. ओके, ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसमें हमेशा असर्टिव सेंटेंसेस उसको वो टाइप ऑफ सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है. देर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब उसको पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है, और नेगेटिव को नेगेटिव. नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट या वैसा कुछ आएगा उसको नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. ओके, then we will turn the page. All right, after turning the page, here the examples are given. Birds eat worms. Man, money doesn't like fish. Doesn't आ गया मतलब not आ गया, तो वो negative sentence हो गया. Birds eat worms, वो affirmative sentence हो गया. After that we have interrogative sentence. Always ask the question. Okay, interrogative question मतलब जो भी question वाला सेंटेंसेस होता है उसको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है, और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है. आफ्टर दैट वी हैव इंपरेटिव सेंटेंसेस. दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ओके, और एन ऑर्डर. ओके, ये सारे सेंटेंसेस मतलब जो कमांड मतलब वही ऑर्डर ही हो गया. ओके, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वो सारे सेंटेंसेस जो भी हो गए वो सारे इंपरेटिव के अंदर में आ जाते हैं. उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स एंड इमोशंस. ओके, जो अपना फीलिंग्स को वो जो भी सेंटेंसेस में आता है उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला जाता है. लाइक जॉय है, सॉरो है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है. ओके, और एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. Alright, तो ये सारा हो गया types of sentences. After that we have word wise. Word wise में what we have to write? Synonyms and antonyms. Synonyms का मतलब है opposites. Okay, synonyms का मतलब है opposite. और antonym का मतलब है, synonym का मतलब है same meaning. जिसका same meaning हो, जैसे तुम लोग को हिंदी में पर्यायवाची बोला जाता है. Okay, पर्यायवाची का मतलब है कि सेम मीनिंग. ओके, और एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट. ओके, एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट्स. ऑलराइट, आफ्टर दैट वी हैव मेक सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स. ओके, फिर है डिक्शनरी है, राइट टू मीनिंग्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव पंक्चुएट. ऑलराइट, पंक्चुएट में क्या करना है? कॉमा. कॉमा मतलब पॉज. ओके, हम लोग पॉज कहाँ कहाँ लगाएंगे? जहाँ पे भी कॉमा कहाँ हम लोग लगाते हैं? जहाँ पे भी हम लोग को अटकना होता है वहाँ पे हम लोग कॉमा लगाते हैं. ओके, माय फ्रेंड्स फादर हु हैड गॉन टू लंदन लास्ट मंथ हैज कम बैक. माय फ्रेंड्स फादर, तो वहाँ पे हम लोग ने पॉज मारा तो वहाँ पे हो गया कॉमा. फिर उसके बाद है अनिल, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग अनिल प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. पहले हम लोग बोलेंगे अनिल प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अनिल के बाद हम लोग ने पॉज मारा. ओके, तो वहाँ पे हम लोग को कॉमा लगाना है. ओके, तो ऐसे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग को कहाँ पे कॉमा
लगाना है. ऑलराइट, आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को क्या है, दैट इज ऑन पेज 18, नाउंस, टाइप्स ऑफ द नाउंस. ओके, नाउन हम लोग को सबको पता है कि व्हाट इज अ नाउन. अ नाउन इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू टेल द नेम ऑफ द पर्सन, अ प्लेस, एनिमल और थिंग. ऑलराइट, देन वी हैव द टाइप्स ऑफ द नाउन. टाइप्स ऑफ द नाउन में वी हैव द प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन. ऑलराइट, प्रॉपर नाउन टेल्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग. ओके, जो हम लोग को नाम बताते हैं किसी का भी. कॉमन नाउन जो कॉमन हो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के. ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द क्वालिटी. ओके, मतलब क्वालिटी ऑफ द पर्सन या क्वालिटी ऑफ द थिंग, क्वालिटी ऑफ द प्लेस, किसी की भी क्वालिटी हो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाता है. उसके बाद है कलेक्टिव नाउन. ओके, कलेक्टिव नाउन इट इज अ नेम्स, इट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग जो सेम हो. ओके, उसको एक ग्रुप के अंदर हम लोग डाल सकते हैं तो उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है टीम. टीम मतलब जो कोई भी खेल खेलता हो वो टीम के जो भी मेंबर्स है वो एक ही रूफ के अंदर आते हैं. ओके, तो उसको टीम बोला जाता है. आफ्टर दैट वी हैव मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन नेम्स अ मटीरियल और सब्सटेंस दैट इज यूजुअली यूज टू मेक थिंग्स. ओके, एग्जाम्पल है गोल्ड या वुड. ओके, तो फर्नीचर इज मेड अप ऑफ गुड वुड, तो वो वुड फर्नीचर से रिलेटेड है. ऑलराइट, तो वो फर्नीचर को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किससे बना हुआ है. ओके, वो वुड से बना हुआ है, तो वो वुड हो गया हम लोग का मटीरियल नाउन. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव ऑल द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू नाउन्स. ओके, देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और adjectives. Then we have nouns number, singular or plural. Okay, अब singular और plural वो हो गया nouns का number. Okay, singular मतलब एक, plural refers to more than one person. All right, अब now see this exercise children. Okay, यहाँ पे है clowns, first example दिया है. देखो, change the nouns in bold into singular noun. Okay, the clowns and the jugglers of the circus made us laugh. Clowns की जगह पे हम लोग clown लिखा है और jugglers के बदले में juggler लिखा है. Okay, S हट गया. Alright, the clown and the juggler of the circus made us laugh. See the second sentence. There are loaves of bread on the table. अब लोब्स को जब हम लोग सिंगुलर में चेंज करेंगे तो आर का इज हो जाएगा. ओके, देयर इज लोफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल. आर की जगह पे इज हो जाएगा क्योंकि वो नाउन जो है वो हम लोग का सिंगुलर हो गया. शी प्लेस्ड मैंगोज ऑन द टेबल. शी प्लेस्ड मैंगो ऑन द टेबल. ओके, यहाँ पे कहीं इज आर नहीं है तो हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना है. Alright, the school buses will ply late tomorrow. The school bus will ply late tomorrow. Buses की जगह पे bus आ जाएगा. Fifth sentence देखो, I sliced 3 tomatoes to make a salad. अब 3 tomatoes तो नहीं करना है हम लोग को, tomatoes की जगह पे tomato ही लिखना है, एक singular. तो I sliced a tomato to make a salad या I sliced 1 tomato to make a salad. और टोमेटो भी लिख सकते हो या वन टोमेटो वो भी लिख सकते हो. ओके, दोनों करेक्ट है. ऑलराइट, देन वी विल टर्न अवर पेज. आफ्टर दैट वी हैव नाउंस जेंडर. ओके, नाउंस हैव 4 जेंडर्स. ऑलराइट, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन, एनिमल इज सेट टू बी फेमिनाइन जेंडर. उसके बाद है मैस्कुलाइन जेंडर. मैस्कुलाइन मतलब मेल. उसके बाद है कॉमन जेंडर. कॉमन मतलब उसमें आइधर मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं.
And then we have neuter gender. Neuter means a noun that denotes a thing without life. Okay, मतलब जो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, अगर लाइफ नहीं है तो मेल या फीमेल कुछ भी नहीं होगा, राइट? तो वो हो गया न्यूटर जेंडर. ओके, फेमिनाइन मतलब फीमेल पर्सन. ओके, मैस्कुलाइन मतलब मेल. कॉमन मतलब जो दोनों में आते हैं, मतलब हम लोग को पता नहीं चलता है कि वो मेल भी हो सकता है फीमेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है. अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है. फिर है डॉक्टर, तो डॉक्टर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक. तो वो हो गया कॉमन जेंडर. ओके, राइट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 चैप्टर्स, दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3.